गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने फाइल खोलना बंद करना आदि सीखा था। चलिए वर्ड में आज फिर दोबारा से कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब इस पर खुल के आ जाएगा, इसमें कुछ हम आपको आज कुछ नई जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले देना चाहेंगे हम करेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में। किसके बारे में? करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग होती क्या है, यानी अक्षरों में बदलाव करना करेक्टिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है। मान लीजिए आपको इन शब्दों में कुछ बदलाव करना है, तो सबसे पहले जान लीजिए क्या क्या बदलाव करना है। आइए तो सीखते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है। आप सबसे पहले टेक्स्ट का चयन करें। टेक्स्ट का चयन करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए और उसको ड्रैग कीजिए, यानी खींचिए। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, बी, बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी गहरा करने के लिए। अगर आप बोल्ड पर क्लिक कर देते हो तो इस पर क्लिक करने के बाद ये गहरा हो जाएगा। अगर इसमें दूसरा है इंटेलिक, अगर आप इसको छोड़ दीजिए, आप दोबारा से सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से खींचते हुए, माउस के बटन को खींचते हुए करते हुए इसको खींचेंगे और ये हमारा सेलेक्ट होने पर एक गहरी लाइन बदल जाएगा। दिख रहा है बेटा? इंटेलिक्ट, इंटेलिक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो अक्षर है वो तिरछे हो जाते हैं। और तीसरा है इसका बेटा, तीसरा है अंडरलाइन, यानी अक्षरों के नीचे लाइन खींचना। अगर आप इस अक्षरों के नीचे लाइन खींचना चाहते हो तो आप इस पर यू अंडरलाइन पर क्लिक कर दीजिए। देखो आपकी जो आपने जो शब्द लिखे थे उन शब्दों को अंडरलाइन कर दिया। यानी बोल्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बोल्ड का, बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट का चयन करना। इससे पहले कि व्हाट्सएप सॉरी बोल्ड का मतलब होता है अक्षरों को गहरा करना। शीर्ष पर एक बैंड रिबन के रूप में चिन्हित किया जाता है, ये आप इसको देख रहे हो ऊपर। रिबन के बाईं ओर होम टैब पर आपको फॉन्ट समूह में बी पर क्लिक करना होता है। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की बेटा कंट्रोल CTRL प्लस बी, इनके द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ इसको, आप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल CTRL का बटन दबा रहा हूँ और बी का बटन दबा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने दोनों बटन को प्रेस किया है हमारा बोल्ड में हो गया। दूसरा है बेटा इसका, दूसरी शॉर्टकट की है वैसा इसकी, यानी इंटेलेक्ट की, इसकी है CTRL प्लस, यानी दोनों को प्लस का मतलब होता है इन दोनों को एक साथ प्रेस करना। इसकी है बेटा इंटेलेक्ट आई, यानी कंट्रोल प्लस, आप इसको फिर दोबारा सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस आई को दबाइए, देखो तिरछा हो गया। तीसरी है बेटा इसकी, तीसरी है CTRL प्लस यू, यानी आप इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्लस यू, अगर आप यू दबाते हैं तो हमारी इसके नीचे लाइन आ जाएगी। अगला, आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा से कल मिलेंगे। धन्यवाद।